हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में तो आज तारीख है 16 नवंबर और दिन है बुधवार का और टाइम है सुबह का सुबह का ये है सवा सात का टाइम बच्चों का लंच बना दिया है और अपने लिए भी पराठा बना लिया है थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी वाली ठंड होने लग गई है तो इन दिनों में अदरक वाली चाय और आलू का पराठा मिल जाए वाह क्या कहने हैं तो यहाँ गैस पे बहुत ज़्यादा छीटे लग गए थे आलू वाले उसके तो उसको साफ कर रही हूँ पहले फिर पीऊंगी चाय और पराठा आप सब भी आ जाओ भाई जल्दी बदल ले योगी पैसा कैसा है अरे हम अग्गी मिली माजी ना गीता में और दो बिस्कुट का पैकेट है यही मैं रख दी अरे यार एलेक्शा, देख ले एलेक्शा बोलते ही ऑन हो गई है। एलेक्शा, एलेक्शा, अजय हुड्डा सॉन्ग। Amazon Music पर अजय हुड्डा के गाने ये रहे। एलेक्शा, स्टॉप। अलक्षा को ऑन करो कुछ भी सुनो हाँ कुछ भी पूछो पार्टी पे एमो भाई आजे जल्दी कपड़ा ये बाहर तकरा ना आओ बेटा बाहर एंगर पे ब्रांड है मैं फिर वीडियो बन रही है तेरी औरों है और शर्ट दे ले योगी बेटा भाई शर्ट दे मु ले बेटा योगी एंड मशीन में डाल दिए फिर सारे क्यों खाली कर रहा हूँ इतनी लिख के क्यों आया कौन खावे इतनी चटनी खाई जावे सुबह में ब्लॉग की शुरुआत हुई जब भी खाने से हुई थी और अब दोबारा से वीडियो बननी शुरू हुई है तब भी खाना खाना पूरा दिन कह दोगे कि पूरे दिन खाने की वीडियो बनाती रहती है और कुछ नहीं दिखाती तो ऐसी बात नहीं है बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी भी वीडियो आएंगी बहुत अच्छी अच्छी क्लिप अभी बनेगी शाम के टाइम में और शाम के टाइम में भी वही बनेगी वही जो हम खाएंगे खाने की ही वीडियो बनेगी तो देख लेना आप सब बिल्कुल सीधा सिंपल देसी खाना बनाएंगे तो यहाँ आज मैंने बोल दिया था इनके आने के बाद बच्चों को एक बार भी ब्रेड पकौड़ा नहीं खिलाया था तो लगभग तीन सवा तीन बजे से मैंने बोला कि ले आओ एक एक सबका तो पांच ब्रेड पकौड़े मंगाए थे तो माजी और बच्चे खा रहे हैं और हम अभी अपना शुरू करेंगे खाना आप सब भी आ जाओ मेरे को पता है कि आएगा कोई नहीं लेकिन अगर एक बार ये ना कहे कि आप सब भी खा लो तो अच्छा नहीं लगता कह देती है कि एक वीडियो में पिछली बार भी वो एक शॉर्ट्स मैंने डाली थी गोलगप्पे की तो उस पर कॉमेंट आ रही थी कि अकेली अकेली खा गई किसी से पूछा भी नहीं तो उसके लिए सॉरी भाई और अब मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आ जाओ आप सभी ब्रेड पकोड़ा खाने के लिए यम्मी यम्मी हरी चटनी है मीठी चटनी है जो आपको पसंद है तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और अपना प्यार साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे और सभी से

चल ना ये आ जाओ आ जाओ ये भे? कि तो दिखो भी ना इतना छोटा भी कोई तो दिख ही ना रहा तो आलू लहसुन और धनिया हरी मिर्च दही नमक और ये सिलबट्टा और ये रोटी बनाने के लिए रोटी बनेगी आज पालक और मेथी पीस के डालूँगी इसके लिए भी इसमें लहसुन जो रोटियों में डालना है वो वाला देखो मिर्च साफ करनी है तो अभी है चटनी की तैयारी आज चटनी बनेगी और पालक मेथी की रोटी कुछ बोल रहा था ठीक है चटनी हमारी बन गई है बता दिया था किस किस की बनने वाली है क्या क्या इसमें डलने वाला है तो बिल्कुल सिंपल सा खाना है आज चटनी बन गई है और किस किस को चटनी रोटी पसंद है गांव का देसी खाना और एक रिक्वेस्ट करूँ मैं आप सभी से कि वीडियो में जो आपको कमी नज़र आए कि भाई इसमें सुधार करने की आपको आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए कुछ अच्छा कर सके जो आप देखना चाहो जिससे रिलेटेड अब वीडियो आप देखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड होगी वही वीडियो में आएगा टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ साढ़े छः का टाइम है और ये तेल मंगवाया था राकेश ने तो ये बोतल लेके गए थे इनका पेट्रोल लेने के लिए लेकिन वो बोतल थी वो नीचे से फूट रही थी उसमें तेल निकलने लगा तो दो सौ रुपए का तेल उनका अपनी बाइक की टंकी में डलवा लिया और अब उनको निकाल के दे रहे हैं और तेल की तो आज पूछो मत क्या बात हुई <laughs> क्योंकि राकेश का मेरे पास फोन आया और कहने लगी कि हमारा दो लीटर तेल ला देगा तो मैं सोची कि सरसों का लेके आना है ये सरसों का तेल उनका ले आए वो आई कि हमारा तेल दे दे मैं बोली तेल रखे अलबारी में ले जा तो बोली मैं तो सरसों का नहीं मंगाया था मैं तो पेट्रोल मंगाया था मैं पेट्रोल का तो कहा नहीं ये कहा था कि दो लीटर तेल ला दे तो खैर वो सरसों का भी फिर इसने ले लिया और बाद में दो लीटर इनका पेट्रोल ला के दिया तो इस बात की कोई वो नहीं है थोड़ा ना इसने कहा और ना मैं समझी मेरी समझ में यही था कि भाई सरसों का लेके आना है और अभी रात हो गई है और रात का भाई रोटी बनाने का हमारा बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है चूल्हे पे लाइट नहीं है घर में तो सारे में है और यहाँ फ़ोन रखना पड़ता है इस कारण से हम बहुत जल्दी रोटी बना लेते हैं लेकिन इनके आने के बाद इंतज़ार करते रहते हैं जब खाएं तभी बनाएं जब खाएं तभी बनाएं माँ जी और बच्चों ने दोनों ने खा ली है बस हम दो बाकी हैं आटा थोड़ा ज़्यादा है तो रख दूँगी सुबह में बच्चों के लिए लंच में पराठे बना दूँगी पालक मेथी का जो आटा है इसके